हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं किस तरह से इफ्तार के लिए रेडी होती हूँ एंड मेरा जो इफ्तार पार्टी लुक है वो मैं शेयर करूँगी अलॉन्ग विथ माय स्किन केयर आल्सो। एंड इस रमज़ान में रोज़ा रख के मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। रमजान स्टार्ट होने से पहले मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा रमजान स्पेशल प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि 100% वेजिटेरियन हो, हलाल सर्टिफाइड हो, कोई नास्टी केमिकल्स उसमें ना हो। और कई लोग तो इनफैक्ट साल के हर महीने ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। जैन एंड माइजा का जो रमजान स्पेशल गिफ्ट हैम्पर बॉक्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे एकदम अप्रोप्रिएट लगी फॉर रमजान। एंड उसमें जो भी प्रोडक्ट है ना, सारे आपके रमजान के लिए तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ईद से पहले जो एक मंथ आप रोजा रखते हैं उनमें अगर आप इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में तो डेफिनेटली ईद तक आपका फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग एंड रेडिएंट जरूर हो जाएगा। मैं तो इस महीने पूरा ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इस एंटायर गिफ्ट हैम्पर बॉक्स में जो भी है इन सारे प्रोडक्ट्स को ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग बेनिफिटेड। इस रमजान स्पेशल गिफ्ट हैम्पर बॉक्स में आपको मिलेगा विटामिन सी फेस वॉश, जैन एंड माइजा विटामिन सी फेस सीरम, जैन एंड माइजा ब्लिंक इट काजल एंड उनका जो मैट लिपस्टिक है वो एक लिपस्टिक जिसमें मेरा जो शेड है वो इतना प्रिटी शेड है उससे ही मैं आई शेडो भी अप्लाई करती हूँ, ब्लश भी अप्लाई करती हूँ, लिपस्टिक्स भी अप्लाई करती हूँ। तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से काफी कम टाइम में सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके मैं रेडी हो जाती हूँ इफ्तार के लिए या फिर किसी भी छोटे मोटे ओकेशन के लिए। जैन एंड माइजा के प्रोडक्ट्स 100% हलाल सर्टिफाइड होते हैं एंड 100% वेजिटेरियन होने के साथ साथ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कोई भी एसच नेस्टी केमिकल्स उनमें नहीं है। सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेफ टू यूज ऑन योर स्किन, मैन वुमन टीनेजर सभी उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक बेस्ट पार्ट बताओ, उनके प्रोडक्ट्स मुझे इतने ज्यादा क्यों अच्छे लगते हैं, एक तो उनका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है एंड एट द सेम टाइम प्राइस इतना लो है ना। ये जो 30 ml का सिरम है इट जस्ट रीटेल्स फॉर 349 rupees और ऊपर से आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं फ्लिपकार्ट Amazon, जो भी लिंक्स है ना परचेजिंग लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप खुद ही चेक करके देख लीजिएगा कितने अफोर्डेबल प्राइस में आपको गुड क्वालिटी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दैट्स वाई आई लव जैन एंड माइजा प्रोडक्ट्स। इफ्तार के लिए सिर्फ अभी एक ही घंटा बाकी है, मम्मी प्रिपरेशन कर रही है और मैं जल्दी फेस वॉश अप्लाई कर लेती हूँ और फेस को एकदम क्लीन कर लेती हूँ। फेस को वॉश करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये विटामिन सी फोमिंग फेस क्लेंजर। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है एंड इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 100 ml रिटेल्स फॉर जस्ट 299 rupees। इसके जो ब्रिसल्स है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो फेस पर फेस वॉश अप्लाई करने के साथ साथ हल्का सा फेस को ये स्क्रब भी कर लेता है एंड स्पेशली नोज के साइड्स पर और चिन एरिया पर भी जो भी ब्लैक हेड्स वगैरह डेली बेसिस पर जमते रहते हैं उसे भी ये रिमूव कर देता है एंड स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो मैं इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा अभी इफ्तार करने से पहले। सेकंड स्टेप में मैं इस्तेमाल करती हूँ ये विटामिन सी फेस सीरम, ये 30 ml का है एंड दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 349 rupees। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इंस्टेंटली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्किन पर एक हाइड्रेशन एक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ककाडू प्लम एक्सट्रैक्ट होने की वजह से ये स्किन को इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है, एट द सेम टाइम विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर होने की वजह से स्किन को एक अलग सा रेडियंस ग्लो प्रोवाइड करता है। डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए ये सीरम एकदम परफेक्ट है, इसे आप दिन में 2 या 3 बार इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे हमेशा अपने नेक पर भी इस्तेमाल करती हूँ, आपको फेस के साथ साथ अपने नेक का भी टेक केयर करना है एंड लुक एट द ग्लो, स्किन पर इतना अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है ये, एक हेल्दी ग्लो लगता है एंड ऑन डेली बेसिस अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ग्लो है ये आपकी स्किन में स्टे करेगा। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लिंक इट काजल जैन एंड माइजा का ही और इस काजल का जो पिगमेंटेशन है वो एकदम जेट ब्लैक पिगमेंटेशन है। सबसे पहले मैंने अपने अपर एंड लोअर वाटर लाइन
पर इसे अप्लाई किया। मुझे एक स्मोकी कोल काइंड ऑफ लुक चाहिए था और इसे मैं हल्का हल्का स्मज करूंगी। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ज़ैनन माइज़ा मैट लिपस्टिक। ये बुलेट लिपस्टिक है, मुझे बुलेट लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एंड इसका जो शेड है दैट इज़ सो प्रिटी। एप्रिकॉट ब्लश इसका शेड का नाम है एंड इसे मैं एज एन आई शेडो इस्तेमाल कर रही हूँ और एज अ ब्लश भी, और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर टिप से। हाउ ईजिली इट जस्ट ब्लेंड्स इन टू योर स्किन। एकदम मैट फिनिशिंग एक लिपस्टिक है तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, लेकिन ये क्रीमी मैट लिपस्टिक है तो इसे पाउडर से सेट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं अपने एज एन आई लाइनर मैं इस काजल को इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे लगा थोड़ा सा मुझे हेवी आई लुक करना है क्योंकि ये एक सिंपल सा लुक है, तो आईज अगर हेवी रहेगा तो लुक अच्छा रहेगा। सो दिस इज माई फाइनल फिनिश्ड लुक। इफ्तार के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड क्लीन प्रोडक्ट्स है, सो मैं तो एक बिल्कुल रेडी हूँ। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड किया है, डेफिनेटली उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये सिंपल सा इफ्तार लुक कैसा लगा। सो गाइस, आई एम इफ्तार रेडी। तो ये मेरा आज का इफ्तार लुक है और ये सिंपल सा लुक अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं विद जस्ट यूजिंग टू प्रोडक्ट्स। मैंने सिर्फ काजल अप्लाई किया है और लिपस्टिक से ही मैंने शैडो, ब्लश और लिपस्टिक भी अप्लाई किया है। सो दिस लुक हैज़ टर्न्ड आउट वेरी सिंपल येट वेरी क्यूट। मैंने सारे प्रोडक्ट्स के ही परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। मेरे इस लुक को आपको कैसा लगा तो वो भी नीचे कॉमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सो अभी मुझे इफ्तार करने जाना है। So yeah, I hope you have enjoyed this video. Video pasand aaye then don't forget to like this video, share this video and don't forget to subscribe to my channel. Aaj ke liye thanks, stay blessed, stay happy. Bye.